चलिए अब हम शुरू करते हैं हाउ टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन इन सर्वलेट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वलेट क्या है? यू ऑलरेडी नो इट्स वन ऑफ द जावा एपीआई व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट द वेब एप्लीकेशन. डायनेमिक वेब एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस जावा एपीआई एंड इट इज 100% प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड सपोर्टेड बाय ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सर्वर. एज यू नो जावा इटसेल्फ इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सो वॉट एवर द प्रोडक्ट यू विल डेवलप इन जावा दैट विल बी ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. मीन्स अगर आप ये डेवलप करने के बाद इफ़ यू वॉन्ट टू होस्ट इट लाइव, अगर आप इसे ऑनलाइन होस्टिंग करना चाहें, सो नाउअडेज़ ऑल द सर्वर्स आर सपोर्टेड जावा, सो इट इज़ 100% पॉसिबल बिकॉज इट इज़ 100% प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ओके, नाउ इफ़ यू टू वर्क विद जावा सर्वलेट वॉट यू हैव एग्जैक्टली, जिसे हम प्री रिक्विजिट बोलते हैं, तो आपको तीन चीज़ें खास चाहिए. नंबर वन इज़ नॉलेज ऑफ कोर जावा प्रोग्रामिंग, ऑब्वियसली बिकॉज दिस अ पार्ट ऑफ द एडवांस जावा. सो अगर आपको सर्वलेट पे वर्क करना है तो आपको बेसिक जावा प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए. जावा प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, दैट यू शुड नो फर्स्ट. दूसरा आपको एक कंसेप्ट चाहिए, यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट द वेब एप्लीकेशन एंड सर्वर. आपको मालूम होना चाहिए वेब एप्लीकेशन क्या है, उसका डिटेल कंसेप्ट, और सर्वर पे किस तरह से उसका होस्टिंग होता है, दैट यू शुड नो एट द प्राइमरी स्टेज. और तीसरा है डिज़ाइनिंग नॉलेज आपको चाहिए. ऑब्वियसली इट इज़ एक्चुअली अ वेब एप्लीकेशन, मीन्स वेबसाइट, तो इसके लिए आपको UI क्रिएट करना है. तो यूज़र इंटरफेस के लिए आपको एक डिज़ाइनिंग भी क्रिएट करना होगा, एक वेब पेज जिसे हम कहते हैं क्लाइंट साइड का. सो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए HTML और CSS का. दिस टू थिंग आर द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स टू क्रिएट एनी ऑफ द वेब पेज, बिकॉज ये क्रिएट करेगा UI को. अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं मालूम है देन डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट द वेब एप्लीकेशन. और JavaScript आप ले सकते हैं फॉर द वैलिडेशन पर्पज, और jQuery यू कैन यूज फॉर द एनिमेशन पर्पज, बट HTML इज कंपल्सरी. HTML एंड CSS बोथ आर फॉर द डिजाइनिंग पर्पज. अच्छा, उसके बाद आपको टूल्स क्या चाहिए सर्वलेट प्रोग्रामिंग के लिए. सो नंबर वन इज GDK 1.4 और अबो. आपको इसमें जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करना होता है 1.4 और अबो वर्जन, सो विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी जावा प्रोग्रामिंग. दूसरा चाहिए आपको XAMPP सर्वर. आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आप देख सकते हो उसकी कंट्रोल पैनल. जावा प्रोग्रामिंग आपको करना है सर्वलेट पे, तो आपको दो चीज़ें कंपलसरी स्टार्ट करना होगा सर्विस. नंबर वन इज़ अपाचे विच इज़ एक्चुअली अ वेब सर्वर, और दूसरा है टॉमकैट विच इज एक्चुअली अ कंटेनर. काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि टॉमकैट सर्वर है, एक्चुअली टॉमकैट सर्वर नहीं है, सिर्फ अपाचे सर्वर है, और टॉमकैट जो है वो एक कंटेनर है. कंटेनर मतलब वो आपका जो भी सर्वलेट का एप्लीकेशन रहता है उसको रन टाइम एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करता है टॉमकैट. सो टॉमकैट सर्वलेट सर्वर नहीं है, जस्ट अ कंटेनर, और अपाचे वो सर्वर है. टॉमकैट का पोर्ट रहता है 8080. और तीसरी एक चीज़ है MySQL, उसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं. अगर आप ये एप्लीकेशन के पास अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी आपने एस्टैब्लिश की है, अगर आपको डेटाबेस वाली वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए आपको एक डेटाबेस का भी सपोर्ट चाहिए. यहाँ पे फिलहाल जो भी मैं डेमो दे रहा हूँ उसमें डेटाबेस नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि MySQL सर्विस है, उसको भी आपको स्टार्ट करना रहता है. और उसके बाद आपको चाहिए टेक्स्ट एडिटर या कोई भी IDE टूल्स, जैसे कि आप नेटबीन्स ले सकते हैं, इक्लिप्स ले सकते हैं, और अगर आप मैनुअल एडिटिंग में अगर आप कंफर्टेबल है तो आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस भी आप यूज़ कर सकते हैं. और फोर्थ में चाहिए आपको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर आपको चाहिए. डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आपके पास होगा ही विंडोज़ में, उसके अलावा आप क्रोम है, फायरफॉक्स है, कोई भी जो ब्राउज़र है वो यूज़ कर सकते हैं. कॉन्फ़िगरेशन या प्रिपरेशन की क्या मतलब कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको एक चीज़ सेट करनी पड़ेगी, वो है क्लास पाथ. अगर आप डेवलपर है तो आपको मालूम होगा उसे हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं. अगर आप सर्वलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करना होगा एक क्लास पाथ. क्लास पाथ आपको ये रहेगा CXAMPP Tomcat Library और Servlet API.jar. एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आपको फोकस करना है इस फाइल के ऊपर, मीन्स कि आपका जो क्लास पाथ में जो आपका टारगेट रहेगा वो ये फाइल रहेगी Servlet API.jar. आप जावा सर्वलेट के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करते हैं, क्लासेस है, इंटरफेस है, पैकेजेस है, दैट ऑल केम फ्रॉम दिस पैकेज एक्चुअली, दिस जार फाइल. ठीक है, इसका पाथ फिक्स नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन वेर यू हैव इंस्टॉल्ड दिस XAMPP सर्वर. सपोज आई हैव इंस्टॉल्ड इन सी ड्राइव, सो माई पाथ इज बिलोंग्स टू दिस. लेकिन अगर आपने डी में, ई में और कहीं और अगर आपने इंस्टॉल किया है XAMPP, तो आपका ये जो पाथ है आगे का दैट विल बी डिफरेंट. बट यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस फाइल, जार फाइल.
आपको ये जार फाइल ढूंढ के उसको आप क्लास पाथ में सेट करना है। उसके बाद दो तीन चीजें और है जो आपको सेट करनी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ ये एक सेट करके चेक कर सकते हैं कि आपका टॉमकेट वर्क कर रहा है या नहीं। अगर कई चीजों में हमने देखा होगा कि टॉमकेट में अगर एरर आती है, व्हेनेवर यू विल स्टार्ट द सर्विस इफ इट विल क्रिएट द एरर लाइक दिस दैट सपोर्ट पोर्ट इज नॉट इन नॉट एबल टू यूज, और कोई कॉन्फ़िगरेशन का कोई इश्यूज रहता है, या फिर लॉग फाइल में कोई प्रॉब्लम है, क्रिएट नहीं हो रही है, एक्सेस नहीं है आपको, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। सो आप ट्राई कर लीजिए। बाकी के जो तीन चार और है, दो तीन और पाथ है, जावा ओम है और कैटलिना ओम है, ये भी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी करिए जब आपको इफ़ यू विल फेस द डिफिकल्टी इन टॉमकेट सर्विस, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ओनली दिस फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो हम अब शुरू करते हैं हाउ टू क्रिएट द वेब एप्लीकेशन इन सर्वलेट। राइट, क्रिएट वेब एप्लीकेशन इन जावा सर्वलेट टू रिस्पॉन्ड अ यूजर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, अच्छा फिलहाल आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ टू क्रिएट द सिंपल एप्लीकेशन इन सर्वलेट विच कैन रिस्पॉन्ड टू द यूजर्स रिक्वेस्ट। हम कोई भी एक मैसेज प्रिंट करेंगे। अच्छा, एज पर द जावा स्ट्रक्चर, फर्स्ट यू हैव टू इम्पोर्ट द जावा पैकेज। फर्स्ट आप ले सकते हैं java.io, दूसरा इम्पोर्ट javax.servlet.star। ये डॉट स्टार एस्ट्रिक मार्क हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि सर्वलेट पैकेज के अंदर जो भी सब फंक्शनलिटी या सब पैकेजेस रहता है वो भी आप इसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं javax.servlet.http। अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो HTTP स्पेसिफिक है, देन यू हैव टू इम्पोर्ट दिस पैकेज ऑल्सो विच विल एबल टू डिराइव ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ HTTP सर्वलेट क्लास, पब्लिक क्लास। अभी हमें एक क्लास क्रिएट करना है, एंड रिमेंबर योर क्लास ऑलवेज शुड बी पब्लिक बिकॉज इट इज़ अ वेब एप्लीकेशन एक्चुअली। सो जितनी भी वेब एप्लीकेशन रहती है ऑब्वियसली इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक ऑल। आप इंटरनेट डोमेन में जाके कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, सेम वे दिस इज वन ऑफ योर वेबसाइट, सो इट इज ऑलवेज पब्लिक, यू शुड नॉट क्रिएट इट प्राइवेट। सो पब्लिक क्लास, फिर हम उसको एक मैसेज दे देते हैं, सपोज सर्वलेट डेमो, एक क्लास का नेम दे देते हैं एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। यहाँ पर डिपेंड रहता है कि आप कौन से टाइप का सर्वलेट चाहिए। अगर आपको जेनरिक सर्वलेट चाहिए देन यू टू राइट जेनरिक सर्वलेट। अगर आप HTTP स्पेसिफिक बना रहे हैं, मीन्स आप एक ऐसी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जो सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट ही आपकी डील करेगी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, तो आपको यहाँ पर लिखना है HTTP सर्वलेट। फिलहाल मैं क्रिएट कर रहा हूँ HTTP सर्वलेट। उसके बाद आपका आएगा पब्लिक वॉइड इनिट, फर्स्ट सेक्शन आएगा लाइफ साइकिल का इनिट का। उसके बाद है पब्लिक वॉइड सर्विस, दैट्स अ सेकंड एंड मेन पार्ट, जो कि आपकी जो सर्विस है वो यहाँ पर सर्विंग होगी। और तीसरा है पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज ऑल दिस थ्री, यू कैन ओनली यूज पब्लिक वॉइड सर्विस, दैट डिपेंड्स ऑन द लाइफ साइकिल। अगर आप कुछ इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं देन यू कैन यूज द इनिट। अगर आप डिस्ट्रॉय के टाइम पे कुछ अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं देन यू टू यूज द डिस्ट्रॉय ऑल्सो, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी, ओनली सर्विस इज नेसेसरी। अच्छा, सर्विस जब आप करते हैं, एक्चुअली यू नो सर्वलेट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉड्यूल। तो इसमें आपको दोनों तरह का जो है, दोनों साइड का आपको देखना पड़ेगा। आपको रिक्वेस्ट भी रिसीव करना है और साथ में आपको रिस्पॉन्स भी देना है, बिकॉज यू आर अ डेवलपर, बट यूजर साइड का जो पार्ट है वो भी आपको डेवलप करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दो इंटरफेस के नेम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट REQ, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और दूसरा है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स RES। तो REQ रिक्वेस्ट एंड RES फॉर रिस्पॉन्स, ये दोनों आपको क्रिएट करना है। उसके बाद थ्रोज IO एक्सेप्शन सर्वलेट एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन आपको थ्रो करना है। यू नो वेरी वेल सर्वलेट कोड इज अ वेरी क्रिटिकल कोड, सो इफ यू विल नॉट यूज दिस डेफिनेटली इट विल क्रिएट द कंपाइलेशन एरर, और आपको कंपाइलेशन एरर में वो कहेगा कि एक एक्सेप्शन हैज नॉट बीन कॉट और डिक्लेयर्ड येट। तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है, इट्स एक्चुअली इन डिक्लेरेशन।
So suppose if servlet will create any of the exception, it is belongs to either IO exception or it belongs to servlet exception. So पहले ही आपको यहाँ पे throws करके वो declare कर देना है, right? उसके बाद हम जाएंगे इनर पोर्शन में. सबसे पहले आपको सेट करना है रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, राइट. इसमें आपको कंटेंट टाइप में टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल देना है. इसका क्या मतलब है कि जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे उसका रिटर्न में जो आप कंटेंट दे रहे हैं जो भी वेब पेज में एज अ वेब पेज उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसका कंटेंट टाइप क्या रहेगा. सो ऑब्वियसली इट इज बिलोंग्स टू टेक्सचर आउटपुट एंड फॉर्मेट इज एचटीएमएल बिकॉज दैट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग फ्रेंड्स कि आप अगर एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्स भी एचटीटीपी में देना है. इट मीन्स इट्स बिलोंग्स टू द ब्राउजर क्योंकि ब्राउजर से ही आपको रिक्वेस्ट मिली है तो आपको जो डिस्प्ले करना है रिटर्न में वो भी यूजर के ब्राउजर में करना है. सो ऑब्वियसली उसका रहेगा एचटीएमएल फॉर्मेट. दूसरा है आपको प्रिंट राइटर आउट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर करके उसको आपको इनिशियलाइज करना है. दिस इज फॉर जनरेटिंग द आउटपुट. ऑब्वियसली इट्स लाइक अ पेन एंड पेपर. सी ये आपका एक तरह का पेपर है. इट मीन्स आप जो एक ब्लैंक पेज रहे सपोज आपके पास एक ब्लैंक पेज है राइट और उसमें अगर आपको लिखना है तो आपको क्या चाहिए पेन चाहिए. सो दिस इज बिलोंग्स टू द पेन. प्रिंटर एडिटर आउट करके आप उसमें कुछ भी राइट कर सकते हैं जो भी आपने वो टेम्पलेट लिया है उसमें. तो ये है फॉर क्रिएटिंग द टेम्पलेट ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड दिस इज फॉर राइटिंग सम आउटपुट इन दैट. ठीक है ये करने के बाद नाउ यू कैन डायरेक्टली राइट सम आउटपुट आउट डॉट प्रिंट एलएन. आउट जो ऑब्जेक्ट है प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है उसकी एक मेथड है प्रिंट एलएन यानी कि प्रिंट लाइन. ठीक है इफ यू सिंपली राइट प्रिंट देन इज ऑल्सो पॉसिबल लेकिन उसमें आप जो भी जितनी भी मल्टीपल आउटडोर प्रिंट लिखेंगे वो उसके बाजू बाजू में वो क्रिएट होगा नई लाइन में क्रिएट नहीं होगा. अगर आपको नई लाइन में आउटपुट चाहिए हर बार देन यू टू राइट प्रिंट एलएन इट मीन्स प्रिंट लाइन. इसमें हम लिखेंगे योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली थैंक यू राइट. तो ये मैंने एक क्लाइंट को मैसेज दिया है. जब भी क्लाइंट इस पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको हम ये रिस्पॉन्स देंगे योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव सक्सेसफुली थैंक यू राइट. और उसके बाद आपका प्रोग्राम हो गया यहाँ पे फिनिश. ठीक है अगर आप चाहें तो इसमें ट्राई कैच भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड कोड राइट. अभी हम इसको सेव करेंगे. अच्छा सेव करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर राइट. तो अभी हम क्या करेंगे एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के लिए यू शुड फॉलो दिस थिंग्स. आपको सबसे पहले जाना है सी उसके अंदर ज़ैम्प उसके अंदर टॉमकैट. टॉमकैट के अंदर आपका एक रूट फोल्डर रहेगा. रूट ऑलरेडी एक फोल्डर होगा डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सिस्टम का. आपको वो यूज़ नहीं करना है ट्राई टू अवॉइड इट. आपको आपका खुद का एक वर्किंग फोल्डर बनाना है प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है और उसके अंदर इस तरह से आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है. सबसे पहले आपको क्रिएट करना है सब फोल्डर वेब डैश आई एन एफ करके दिट्स बिलोंग्स टू वेब इन्फॉर्मेशन. उसके अंदर आपका एक क्लासेस फोल्डर बनाना है जिसके अंदर आपकी जावा फाइल रहेगी और उसके अंदर एक वेब डॉट एक्स एम एल जिसे हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल बोलते हैं जिसके अंदर जितने भी सर्वलेट रहे आपने क्रिएट किए हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर उसकी एक एंट्री होगी. तो उसको आपको क्रिएट करना है. ये जो एल आई बी है इट्स ऑप्शनल एक्चुअली. अगर आपने क्लास पार्ट सेट किया है वो सर्वलेट ए पी आई डॉट जार का देन दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर यू. अगर आपने जार फाइल है वो लीप में पेस्ट की है अलग से और आपने उसका क्लास पार्ट सेट किया है तो फिर आपको यहाँ पर लीप करने की जरूरत नहीं है क्रिएट करने की. ठीक है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ. आपको जाना है सी में उसके बाद जैम उसके बाद टॉमकैट वेब एप्स. वेब एप्स के अंदर देखो ये मेरा रूट फोल्डर है. एक जो है रूट ऑलरेडी क्रिएटेड है इट इज क्रिएटेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ. जैम ने खुद का एक डिफॉल्ट रूट फोल्डर क्रिएट किया है. ट्राई टू अवॉइड इट. आपको वो यूज नहीं करना है. आपको आपका खुद का कोई भी एक न्यू फोल्डर बनाना है जैसे कि मैंने ये बनाया है माई प्रोजेक्ट. उसके अंदर आएगा वेब डैश आई एन एफ कैपिटल में आपको लिखना है बीच में डैश देना है इट्स कंपलसरी एज पर द फॉर्मेट. उसके अंदर आएगा क्लासेस. क्लासेस आपको स्मॉल में लिखना है राइट. और इसके अंदर यहाँ पर आएगी आपकी जावा फाइल. तो मैं अभी यहाँ पे सेव कर देता हूँ जो भी हमने ये प्रोग्राम क्रिएट किया है वो उसका नाम है सर्वलेट डेमो. आप ये हैबिट रखिए कि जहाँ भी जो भी आपने नाम दिया है क्लास का उसी नाम से आप फाइल भी सेव करें.
माई प्रोजेक्ट वेब आई एन क्लासेस, यहाँ पे आपका फाइल नेम और डॉट जावा एक्सटेंशन, ठीक है, ये रहा सर्वलेट डेमो डॉट जावा। अभी फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपको करना है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीएमडी ओपन करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट। उसके लिए आपको शॉर्टकट है, ये एड्रेस बार में क्लिक कीजिए, फिर यू हैव टू राइट सीएमडी एंड एंटर, दैट्स इट। सो आपका जो भी पाथ है करंट पाथ, वो डायरेक्टली आप उसमें पहुंच जाएंगे। फिर आपको लिखना है जावा सी, दैट्स अ कंपाइलर ऑफ जावा। उसके बाद आपकी जो फाइल है उसका नेम डॉट एक्सटेंशन और एंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वो कंपाइलेशन हो गया। अगर कोई भी सिंटेक्टिकल एरर होती तो यहाँ पर वो इंडिकेट करती, लेकिन फिलहाल कोई सिंटेक्टिकल एरर नहीं है, सो इट हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जिट। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लास फाइल है वो जनरेट हो चुकी है, विच विल बी यूज फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पज, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप है वेब डॉट एक्सएमएल, उसमें आपको क्रिएट करना है आपकी सर्वलेट की एंट्री। स्ट्रक्चर फिक्स रहेगा, मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर है मौजूद। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सएमएल लिखना है, एक्सएमएल टैग स्टार्ट करना है, उसका वर्जन डिफाइन करना है, और आपको मेन जो आउटर टैग रहेगा वो है वेब डैश एपीपी, दैट्स वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे ओपन करना है और सबसे लास्ट में इसको क्लोज करना है। उसके बीच में दो सेक्शन आएंगे, द फर्स्ट इज बिलोंग टू द सर्वलेट, सर्वलेट का बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको सर्वलेट का नेम है और क्लास है। एज यू नो दिस इज एक्सएमएल फॉर्मेट, सो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग रहेगा। जो भी टैग आप ओपन कर रहे हैं द सेम विल बी क्लोज्ड आल्सो पैरेलली, ठीक है, ये पेयरिंग में ही रहेगा हमेशा। तो सर्वलेट नेम के अंदर आपको क्या देना है, आपके सर्वलेट का जो क्लास का नेम है वो आपको देना है। तो ऑब्वियसली ये मैंने क्लास का नाम दे दिया है सर्वलेट डेमो। और दूसरा है मैपिंग के लिए, मैपिंग किस लिए है, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्चुअली एग्जीक्यूट अ सर्वलेट क्लास फाइल, और आप किस में क्रिएट करेंगे, उस किस में एग्जीक्यूट करेंगे, सर्वर ब्राउजर में। तो ब्राउजर इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द क्लास फाइल, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी आपका क्लास है सर्वलेट का नेम है उसे आप एक स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हमने यूआरएल दिया है स्लैश सर्वलेट डेमो, ये स्लैश देना कंपलसरी है, जो आपका लास्ट में जो सर्वलेट नेम है जो यूआरएल उसकी होगी उसमें लास्ट में ये अटैच हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंसी, बट मैंने यह दिया है सर्वलेट डेमो, ठीक है, और सर्वलेट मैपिंग क्लोज कर दिया है। इस जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सबसे पहले ब्राउजर जो है वो वेब डॉट एक्सएमएल में चेक करने जाएगा कि इस नेम का कोई भी रिसोर्सेज है अवेलेबल है या नहीं। तो बेस्ड ऑन यू आर एल इट विल चेक वेदर दिस क्लास नेम इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है, क्लोज करना है आपको। अभी आपको मेक श्योर आपका सारी सर्विसेज है ऑन है, डेटाबेस मैंने ऑन है बट डेटाबेस अभी यूज नहीं किया है, कोई बात नहीं। अभी हम जाएंगे ब्राउजर में और आपको टाइप करना है फुल पाथ लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश आपका क्या है माई प्रोजेक्ट आपका फोल्डर का नाम स्लैश उसके अंदर है सर्वलेट डेमो, ठीक है। ये जो आपका यू आर एल नेम, ये जो स्लैश सर्वलेट है दैट इज यू आर एल ऑफ योर सर्वलेट। बट एज यू नो मैंने क्लास का नेम, फाइल का नेम और यू आर एल नेम तीनों सेम दिए, सो आई विल यूज द सेम नेम फॉर ऑल ऑफ दिस। एंटर। अभी जैसे आप एंटर करेंगे एज यू कैन सी योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव सक्सेसफुली, थैंक यू। सर्वर ने हमें मैसेज दे दिया है, रिस्पॉन्ड कर दिया है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मिल चुकी है और थैंक यू का एक मैसेज भी आया है। सो इस तरह से दोस्तों सर्वलेट का है प्रोग्राम क्रिएट होता है। दिस इज जस्ट अ सिंपल वेब एप्लीकेशन जिसमें आपको रिक्वेस्ट सेंड करना है ब्राउजर सर्वर को और सर्वर जो है वो आपको रिप्लाई करता है। सो दिस इज अ सिंपल टिपिकल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉड्यूल। अभी इसमें आपको डिजाइनिंग भी ऐड कर सकते हैं, डेटाबेस ऐड कर सकते हैं, सारे भी जो डायनेमिक फंक्शनलिटीज वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से आप यूजर के पास से इन्फॉर्मेशन गैट कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को आप सर्वर में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।